Hi, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. Here I bring educational content for engineering students. So if you are new, please consider for subscribing for more. So I welcome you all in this lecture series on refrigeration and air conditioning experiments. In the previous two sessions, we have seen the trial on simple vapor compression cycle as well as we have seen the trial on heat pump test rig. So in the today's session, we'll be discussing what is ice plant test rig. So if I discuss the content of today's session, we'll start with the objectives of today's trial. Then we'll see what are the prerequisites, kya aapko information pata hona chahiye trial shuru karne se pehle. Phir hum setup diagram ko explain karenge. Uske baad hum uske specifications dekhenge setup ke. Then hum observation table kaisa hona chahiye wo aapko note karna hai. Hum experimental setup pe jayenge, wahan pe readings lenge aur uske baad uske calculations karenge. सो अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव्स में हमें चार चीज़ें देखनी है. पहले हम पढ़ेंगे कि भाई लेआउट ऑफ आइस प्लांट कैसा होता है. उसके बाद हम थेरोटिकल सी ओ पी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे एंड वो थेरोटिकल सी ओ पी फाइंड करेंगे. उसके बाद एक्चुअल सी ओ पी भी फाइंड करेंगे एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट कि ये जो प्लांट हमारे लैब में अवेलेबल है उसका पर डे आइस प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब एक दिन में वो कितना आइस प्रोड्यूस कर सकता है, ये हमें ढूंढना है. ठीक है, तो अगर प्रीरिक्विजिट्स की बात करूँ तो देखता है कि पहले चार प्रीरिक्विजिट्स क्या है. उसमें क्लॉसियस स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, सेकंड लॉ का, सिंपल वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल का ब्लॉक डायग्राम आपको आना चाहिए, उसका टी एस एंड पी एच रिप्रेजेंटेशन भी करके उसका एनालिसिस करते आना चाहिए. ठीक है, ये चार चीज़ें जो है मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये डिटेल में मैंने पिछले दो सेशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप वो प्लेलिस्ट पे जाइए, वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल का टेस्ट रिग देखिए, यहाँ पे आपको इसका डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा. ठीक है, आज के सेशन में मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, आइस प्लांट का लेआउट मैं बताऊँगा और उसमें हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, पुल डाउन टेस्ट कैसे होता है और सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है वाटर का वो आपको पता होना चाहिए और थोइंग प्रोसेस मतलब क्या है, यह सब कुछ मैं अभी मैं आइस प्लांट के लेआउट में डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो चलो अभी समझते हैं व्हाट इज़ आइस प्लांट लेआउट. सो आइस प्लांट क्या होता है, बहुत सारा वाटर हमारे पास है उसको हमें आइस में कन्वर्ट करना है, मास प्रोडक्शन करना है आइस का. तो जिस प्लांट में करेंगे उसे बोलेंगे आइस प्लांट. ओके, उसका लेआउट कैसे रहेगा फिर, तो बेसिकली हमें समझना होगा कि आइस बनाते हैं मतलब क्या करते हैं. आइस बनाते हैं मतलब पानी में से हम हीट निकाल लेते हैं, वी रिमूव द हीट फ्रॉम वाटर. राइट, टू डू दैट वील नीड वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल्स. हमने पिछले सेशन में देखा था कि वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल के बेसिक चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं. क्या क्या होता है इसमें, ये ऑपरेटर जहाँ पे हीट रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब कर लेता है, तो देर इज अ इवापोरेटर. सो ये चार बेसिक कॉम्पोनेंट्स है वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल के, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेटर में हीट एब्सॉर्ब होगा, रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. उस वेपर को हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे कॉम्प्रेसर में. सो कॉम्प्रेसर क्या करेगा, वर्क कंज्यूम करेगा और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर मिलेगा हमें रेफ्रिजरेंट का. उसमें से हम हीट रिजेक्ट कर देंगे एटमोसफियर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा रेफ्रिजरेंट. वो लिक्विड हम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट मिल जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल जाएगा. वो क्या करेगा, अभी वो लो टेम्परेचर पे है -10 -20 पे, तो वो यहाँ से हीट जो भी हम इसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे उसमें से हीट निकाल लेगा और वेपर हो जाएगा, यहाँ पे हमें वेपर मिल जाएगा फिर से. तो दिस इज़ व्हाट द सिंपल वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल. अभी हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इस डिवाइस में क्या होता है, लिक्विड का कन्वर्शन वेपर में होता है, इवापोरेशन होता है लिक्विड का, इसलिए इस डिवाइस को बोलते हैं इवापोरेटर. इसे क्या बोलेंगे, इवापोरेटर. अब हम इस सिंपल वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल को यूज़ करेंगे पानी को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, पानी को आइस में कन्वर्ट करने के लिए. तो उसके लिए क्या करेगा लगेगा, तो हमें आइस प्लांट में आइस कैंस होते हैं. आइस कैंस मतलब क्या, इस तरह से शीट मेटल से बने हुए आइस कैंस होते हैं. इसमें हम पानी फिलअप करेंगे, वाटर को फिलअप करेंगे एंड विल कूल दिस सो दैट वाटर विल गेट कन्वर्टेड इंटू आइस. सो अगर हमें ये इवापोरेटर को यूज़ करना है इसको कूल करने के लिए, तो क्या ऑप्शंस है, हम ये इवापोरेटर का कॉइल लेंगे, यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड करके इसके ऊपर वाउंड कर देंगे और फिर जाके इधर कनेक्ट कर देंगे. सो दिस इज़ द वन वे बाय विच द हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर. पानी में से हम हीट इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा एक ही कैन रहेगा क्या, नहीं. आइस प्लांट में क्या होता है, प्रैक्टिकल आइस प्लांट जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उसमें 15-20-25 कैन एक ही समय पर कूल किए जाते हैं और साइज़ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है. तो अगर उस पूरे आइस कैन के सारे कैंस को अगर हम आइस प्लांट के सारे कैंस को अगर हम इस तरह से इवापोरेटर का कॉइल वाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉइल का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, तो ह्यूज प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, मास रेफ्रिजरेंट का मास फोरेड भी ज़्यादा लगेगा, रेफ्रिजरेंट की अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी, दैट इज़ नॉट फिजिबल प्रैक्टिकली. सो उसके लिए क्या करेंगे, ये मेथड तो नहीं कर सकते. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखो, सो पहले क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं बहुत बड़ा। जनरली ये टैंक जो होता है अंडरग्राउंड होता है। एक टैंक ले लिया, उसमें एक सब्सटेंस फिलअप करते हैं। उस सब्सटेंस का नाम है ब्राइन। क्या फिल करेंगे उसके अंदर? ब्राइन फिल करेंगे। ब्राइन मतलब क्या? बेसिकली ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इस टैंक में क्या फिलअप करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। इसमें कैसा होगा? 30% सॉल्ट होगा, 70% वाटर होगा। अब इसको हम सॉल्ट क्यों ऐड कर रहे हैं इस पानी में, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल हमने क्या किया, इस ब्राइन को इस टैंक में फिलअप कर लिया। और इस टैंक में जो ब्राइन है, उस समझो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्राइन को यहाँ पे डाल दिया है। अभी क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। कूल करने के लिए क्या करेंगे, टैंक में से ब्राइन को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पंप, और वो इस इवापोरेटर तक लेके जाएंगे और एक हीट एक्सचेंजर बनाएंगे। सो ये इवापोरेटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, ब्राइन को भेज दिया। अब क्या हो जाएगा, ब्राइन में जो हीट है, ब्राइन यहाँ से यहाँ तक आएगा, ब्राइन के अंदर जो हीट है वो कौन लेगा, रेफ्रिजरेंट ले लेगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा, ब्राइन ठंडा हो जाएगा। सो कोल्ड ब्राइन, तो यहाँ से क्या फीड होगा, कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन हम अंदर भेजेंगे, जिसका टेम्परेचर कितना हो गया, -5°C, लाइक दैट, -5, -10। तो क्या हो गया, हमने इनिशियली क्या कर लिया, इस 30° ब्राइन को कन्वर्ट किया -5° ब्राइन को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पुल डाउन टेस्ट, पुल डाउन टेस्ट, ठीक है। हर आइस प्लांट को जब भी शुरू करेंगे तो पहले हमें यह करना पड़ेगा। सो एक बार अभी हमें क्या मिल चुका है, इस टैंक के अंदर ब्राइन मिल चुका है, जिसका टेम्परेचर कितना है, -5°C। अभी आपको सब मैं बताता हूँ कि इसमें सॉल्ट क्यों डाला है। अगर मैं पानी को सिर्फ रखता था और -5 जैसे ही अच्छे होगा, ये पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिक्विड चाहिए, -5°C, -10° का लिक्विड चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए हमने क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया। जैसे ही पानी में सॉल्ट ऐड करते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 से घट के नीचे जाता है, -5, -10, -15 तक हम उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट लेके जा सकते हैं। तो दैट इज हाउ हमने -5°C का लिक्विड यहाँ पे ऑप्टेन किया है। अब ये -5°C का लिक्विड सर्कुलेट होते रहेगा, ठीक है, यहाँ तक समझा है सबको। अब जिस आइस को मुझे मतलब जो आइस बनाना है, जिस पानी को मुझे आइस बनाना है, उस पानी को क्या करेंगे, ये आइस कैंस में फिल कर देंगे। आइस कैंस में मैंने पानी को फिल कर दिया लाइक दिस, ओके। और इस आइस कैंस को क्रेन से उठाएंगे और इस पानी के अंदर ये जो ब्राइन है उसके अंदर डुबो देंगे। ऐसे बहुत सारे आइस कैंस में इसके अंदर रख दूंगा, सो लाइक दिस। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सारे आइस कैंस को रख दिया। अब क्या होगा, पानी के अंदर की जो हीट है, कैन के अंदर जो पानी है उसके अंदर जो हीट है वो कौन लेगा, ब्राइन लेगा। वो ब्राइन हीट लेके गर्म हो जाएगा, पंप से फिर से इवापोरेटर में जाएगा। इवापोरेटर में क्या कर देगा, हीट प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को दे देगा। क्या वर्ड बोला मैंने, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जो वेपर कंप्रेशन साइकिल में घूम रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो ये जो ब्राइन ने हीट अपना किसको दे दिया, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को दे दिया, फिर से ठंडा हो गया और फिर से अंदर आ गया। सो इस तरह से ये जो ब्राइन है क्या कर रहा है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वहाँ से हीट उठा रहा है और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तक छोड़ के आ रहा है। इसलिए इस ब्राइन को बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। दिस इज व्हाट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देन, इट इज द मीडियम बिटवीन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे आइस हमें बनाना है। तो ये जो पानी है अंदर का, कैन के अंदर का पानी, यहाँ से हीट कौन लेगा, ब्राइन लेगा। वो हीट यहाँ से कैरी करेगा और इवापोरेटर में जाके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को डिलीवर कर देगा। सो मीडियम का काम करता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सो ब्राइन इज यूज एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मिंग द आइस फ्रॉम द वाटर हैपन्स इन द आइस प्लांट, ठीक है। सो इसका लेआउट अगर डिटेल में देखते हैं, सो दिस इज व्हाट द जनरल लेआउट ऑफ एनी आइस प्लांट, जिसमें आप देख सकते हो ये क्या है, ब्राइन टैंक है, जिसमें ये ब्लू कलर का ब्राइन भरा हुआ है। वो अगर ब्राइन सेटल नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या कर दिया, वहाँ पे स्टरर्स लगा दिए, सो दैट उसको हमेशा टर्बुलेट करते रहेंगे। उनके अंदर हमने क्या किया है, आइस कैंस को डाल दिया है, ठीक है। एट ए टाइम 10-15-20 आइस कैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये क्या करेगा, ब्राइन पंप क्या करेगा, उसको सर्कुलेट करेगा। इवापोरेटर क्या कर लेगा, हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, इधर वेपर कंप्रेशन साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। और फिर आइस कैंस को डालने के लिए और निकालने के लिए हमारे पास क्या है, क्रेन और क्रेन का ट्रैक है। तो जब भी आइस पूरा फॉर्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेन से इन कैंस को उठाएंगे, इधर लाएंगे। अभी हमें क्या करना है, वो आइस उस कैन में से निकालना है, उसे बोलते हैं थोइंग प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं, थोइंग प्रोसेस। कैसे होता है, अगर ये कैन देखोगे, इसके अंदर कौन अभी भरा हुआ, आइस है, तो इसे कैसे निकालेंगे, ये सरफेस को थोड़ा हीट करते हैं, उसके वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस का जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा
मेल्ट होने की वजह से ये जो अंदर का आइस ब्रिक है वो क्या होगा, ढीला हो जाएगा, हम उसको निकाल सकते हैं। वो हीट करने के लिए क्या करेंगे, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डुबो देंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मतलब कितना, 25-30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, आइस कैन का टेम्परेचर -10-20 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा, बाहर का सरफेस मेल्ट हो जाएगा, अंदर की आइस ब्रिक ढीली हो जाएगी। फिर क्रेन से उठाएंगे और उस आइस कैन को यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे, तो आइस यहाँ पे गिर जाएगा, आइस ब्रिक जो रहेगी यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे उसको प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करके पैक कर दिया जाएगा और फिर से कैन एम्प्टी हो जाएंगे। फिर क्रेन से उन कैंस को यहाँ पे डालेंगे, उसमें पानी फिर से फ्रेश वाटर डाल देंगे और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट लेआउट ऑफ एन एनी आइस प्लांट। सो कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, तो जनरली आइस प्लांट्स में R134a भी चलता है, लेकिन अमोनिया इज द मोस्ट कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन एनी आइस प्लांट। So if I discuss the experimental setup, we know that it is based on simple vapor compression cycle. So there are four basic components, जो कि simple vapor compression cycle में जो चार components है वैसे ही रहेंगे, जैसे evaporator का coil है, उसके बाद compressor है, उसके बाद condenser रहेगा और उसके बाद expansion device रहेगा। तो ये चार component जो basic vapor compression cycle के होते हैं वैसे ही रहेंगे। अभी उनको सिर्फ simply modify किया है हमने ice plant के लिए। तो ice plant के लिए major component कौन सा है, evaporator है, जहाँ पे ice formation होने वाला है। तो हमने क्या किया, इस इवापोरेटर कॉइल को ब्राइन सॉल्यूशन में डुबो दिया है और उसको पूरा कवर कर लिया एक ब्राइन टैंक में, एक टैंक बनाया उसमें ब्राइन फिलअप कर दिया। और इवापोरेटर कॉइल में यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया है इस तरह से। एक्चुअली वो कैसा रहेगा, वो पूरे ब्राइन टैंक को सराउंड करेगा, ठीक है, इस तरह से। फिर एक साइड से लिक्विड आएगा रेफ्रिजरेंट और दूसरी साइड से निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द इवापोरेटर कॉइल। ब्राइन टैंक के अंदर ब्राइन फिलअप किया है, उसको स्टर करने के लिए हमने एक एग्रिड स्टरर लगाया है, जिसके वजह से क्या होगा, टर्बुलेशन बना रहेगा, लिक्विड जो ब्राइन है वो सेटल नहीं होगा। और उसके अंदर हमने आइस कैंस को इंसर्ट किया है, जिसके अंदर पानी भर दिया है, जिसका हमें आइस में कन्वर्शन करना है, ठीक है। कितने आइस कैन लिए हमने, चार आइस कैन लिए है। एक आइस कैन में आधा लीटर पानी बैठता है, तो चार आइस कैन मिला के 2 लीटर पानी हो गया। 2 लीटर पानी मतलब 2 kgs ऑफ वाटर, ओके। सो 2 kg पानी हमने आइस कैंस में भर दिया है, उसको एक टैंक के अंदर इंसुलेट कर दिया है, दैट इज़ नथिंग बट अवर ब्राइन टैंक और इवापोरेटर। उसके बाद में हमने क्या किया, सक्शन साइड का मतलब इवापोरेटर के पूरे इस साइड का जो प्रेशर है वो गिनने के लिए हमने प्रेशर गेज माउंट कर दिया, लोअर प्रेशर साइड का प्रेशर गिनने के लिए, कंप्रेसर के पहले वाला प्रेशर। थर्मोकपल पॉइंट नंबर 1 पे माउंट कर दिया यहाँ पे, सो T1 का रीडिंग यहाँ से मिल जाएगा। फिर ये जो वेपर बनेगा ये कहा जाएगा लो प्रेशर वेपर, लो टेम्परेचर वेपर, हम कंप्रेसर में भेजेंगे कंप्रेस करने के लिए, तो उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पे उसका टेम्परेचर काउंट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। उसके बाद में कंप्रेसर के बाद वाला प्रेशर, पूरे कंडेंसर लाइन में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, तो इसमें पूरा प्रेशर सेम रहेगा, कितना रहेगा, तो Psat2 रहेगा। कहाँ से पता चलेगा, वहाँ पे एक प्रेशर गेज माउंट कर दिया। कंप्रेसर का एक्चुअल कंप्रेसर पावर उसने कितना कंज्यूम किया वो काउंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, एनर्जी मीटर इस पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर है, कंडेंसर कैसा है, फिन टाइप, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, उसके ट्यूब्स के ऊपर फिन्स लगे हुए है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ाने के लिए। कूलिंग मीडियम हमने कंडेंसर में किया है, एयर यूज़ किया है, बाहर से एयर फ्लो होगा, वो कंडेंसर के अंदर के रेफ्रिजरेंट को कूल करेगा, सो वेपर का कन्वर्शन लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए हमने फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज़ किया है। क्रॉस फ्लो है, जो रेफ्रिजरेंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, एयर इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो क्रॉस फ्लो बन गया। क्रॉस फ्लो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, फोर्स कन्वेक्शन मतलब फैन लगाया हुआ है, एयर कूल्ड कंडेंसर, ओके। क्रॉस फ्लो फिन ट्यूब फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, सो दैट इज द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज फॉर द कंडेंसर विच विल रिजेक्ट द हीट टू द एटमोसफियर। उसके बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा हमें यहाँ पे, उसको फिल्टर करने के लिए हमने ड्रायर लगाया है। उसके बाद अगर मास फ्लो रेट मेजर करना है रेफ्रिजरेंट का, तो हम रोटामीटर यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल डिवाइसेस है। उसके बाद हम एक्सपांशन डिवाइस में उसको भेजेंगे, यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड आएगा यहाँ पे, सो उसका एक्सपांशन होकर उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो लिक्विड का टेम्परेचर भी बहुत ड्रॉप हो जाएगा, -10-20 तक हमें टेम्परेचर मिलता है लिक्विड का रेफ्रिजरेंट का, जो कि फिर से हम कहाँ पर भेज देंगे, इवापोरेटर के कॉइल में भेज देंगे। वो लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है, इसके वजह से वो ब्राइन टैंक में से ब्राइन से हीट ले लेगा, उसकी वजह से ब्राइन कूल हो जाएगा। ब्राइन कूल होने की वजह से ब्राइन क्या करेगा, अंदर के कैन के अंदर जो पानी है उसमें से हीट निकाल लेगा, उसके वजह से अंदर का पानी भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, जैसे ठंडा होगा वो फ्रीज होना भी शुरू हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन अचीव द आइस फॉर्मेशन प्रोसेस इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सो जो थर्मोकपल्स, ये चार थर्मोकपल है, 1, 2, 3, 4, और ये 2 प्रेशर गेजेस, इनको मिला के हम थियोरेटिकल COP फाइंड कर सकते हैं। आइस ने कितना हीट एब्सॉर्ब किया वो फाइंड कर लिया, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल गया।
कंप्रेसर पावर कितनी कंज्यूम हुई एनर्जी मीटर से, वहाँ से एक्चुअल कंप्रेसर पावर मिल गया, तो वहाँ से हमें एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल सकता है। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द टुडेज ट्रायल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसमें हमने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ किया है, R134 यूज़ किया है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जैसे मैंने बताया कि ब्राइन सॉल्यूशन हमने यूज़ किया है, जिसमें 70% वाटर है और 30% सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब क्या होता है, नॉर्मल NaCl भी हो सकता है या इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी हो सकता है। सो उनको हम ऐड करते हैं वाटर में सो दैट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, और उसको हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट करके यूज़ करेंगे कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, एनर्जी मीटर का कॉन्स्टेंट हमें पता है 3200 इंपल्सेस पर किलोवाट आवर है। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, आइस का भी स्पेसिफिक हीट दिया है, लैटेंट हीट जो 335 किलो जूल पर केजी वाटर का है, मतलब वाटर के एक केजी को कन्वर्ट करने के लिए, पानी को कन्वर्ट करने के लिए आइस में 0 डिग्री वाटर तो 0 डिग्री आइस, इसको कन्वर्ट करने के लिए उसमें से कितना हीट निकालना पड़ेगा, दैट इज 335 किलो जूल पर केजी, मतलब एक केजी के लिए 335 किलो जूल निकालना पड़ेगा, तब वो 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हर कैन का वॉल्यूम हमने बोला है 0.5 लीटर हमने पानी भरा है हर कैन में, टोटल 4 कैन से, तो 2 kg पानी हमने लिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.01 बार अज्यूम किया है। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन, नोट देम। सो अभी हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन टेबल किसके लिए है, थेरोटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए है। जैसे ये सेम ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो इसमें हम सक्शन साइड का प्रेशर केजी यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं, डिलीवरी साइड का प्रेशर मेजर करते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक गेज प्रेशर रहेंगे दोनों। फिर टेम्परेचर 4 इंटरफेस पे फाइंड करेंगे, ये डाटा हमें मदद करेगा थेरोटिकल COP फाइंड करने के लिए। अभी ये डाटा हम एक्चुअल COP फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ही सेटअप स्टार्ट करेंगे तो हम उसका उस टाइम का उस वक्त क्या टाइम हुआ है घड़ी में वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। उस टाइम पे हमने जो कैंस में पानी भरा है जिसको हमें आइस में कन्वर्ट करना है, उस कैंस में कितना टेम्परेचर है पानी का वो फाइंड कर लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। और उस वक्त कंप्रेसर का कितना रीडिंग था, कंप्रेसर एनर्जी मीटर का कितना रीडिंग था, कितना किलोवाट आवर है, वो इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम पूरा ट्रायल का परफॉर्म करेंगे, आइस बनाएंगे पूरा, आइस बनने के बाद क्या टाइम हुआ है वो घड़ी से नोट कर लेंगे यहाँ पे। फिर वो आइस का फाइनल टेम्परेचर क्या है वो नोट करेंगे, और आफ्टर कंप्लीट ट्रायल कंप्रेसर ने कितना पावर कंज्यूम करा है ये फाइंड करने के लिए फाइनल रीडिंग ऑफ द कंप्रेसर एनर्जी मीटर यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी द सेटअप फॉर आइस प्लांट टेस्ट रिग। हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ ब्राइन टैंक। This is a tank which is insulated, and in this tank four ice cans are filled with water. Each ice can has capacity of 0.5 liters of water, that is 0.5 kg. So total 4, it means 2 kgs of water is cooled at a time. And inside the brine tank there is a copper coil of evaporator, and that will be cooling the secondary refrigerant, that is brine, and thereby we can get the ice. Thermocouple number 6 is inserted in one of the tanks, which is recording the current reading as 17.7. So water, initial water temperature is 17.7 degrees Celsius. Note down this. So this is your evaporator, which is used as brine tank. After evaporator there will be a compressor, then force convection, cross flow, fin tube heat exchanger, that is condenser. After condenser there is a expansion device called capillary tube. There is a dryer in the circuit to absorb the moisture from the refrigerant. Then there is a suction pressure gauge and delivery pressure gauge with HPLP cutout for electrical safety, and thermocouple indicator is there, which is going to record these 6 thermocouple temperatures. We will be recording this in the observation table. Then there is a main switch for the stirrer and switch for the compressor. Here we can observe that in brine tank the brine is made of water plus salt, 30% of salt and 70% of water is taken, and we have to keep it turbulated because it should not freeze. So for that purpose there is a stirrer. Okay, so let us start this trial. Let me start the stirrer. So here stir reaction has started. Now let us start the compressor. Compressor is on now. So now we have to allow this for ice to form. So the initial
reading for the energy meter is 5 kWh, and we will take final energy meter reading after the ice forms. Now let us take the readings. We have started the setup at 11:30 a.m. and now it is 3 p.m. so 3.5 hours of time the setup is running. Now complete formation of ice is there. We can see the ice cans. The ice is formed completely. Each can contains 0.5 kg of water. So which is now ice formation is complete now. So we can take the readings. So let us record the pressure gauge values. Suction pressure gauge is indicating 0.5 kg per centimeter square. And delivery gauge is indicating 9 kg per centimeter square. So final energy meter reading after 3.5 hours is 6 kilowatt hour. So temperature at the inlet of compressor after evaporator T1 is minus 5.1 degree Celsius. Compressor exit is 55 degree Celsius T2. Then temperature after condenser T3 is 25.4 degree Celsius. And temperature after expansion device T4 is minus 9.4 degree Celsius. So these are the four temperature readings for vapor compression cycle. Now let us check the brine temperature. So this is brine temperature minus 10.8 degree Celsius. And what ice temperature is minus 10.4 degree Celsius. So this is the ice brick that we have found. We have made 4 such ice bricks, each of 0.5 kg. So total 2 kgs of ice is formed in 3.5 hours. We have removed these ice bricks from the cans by dipping them into the normal water so that the surface ice can melt and the ice bricks can come out of the can. The process is called as thawing process. So these are the readings that we just recorded from the trial. हमने सेटअप पे जो ट्रायल परफॉर्म किया ये रीडिंग्स हमने वहाँ से नोट किया है. आपने लिखा होगा शायद सक्शन प्रेशर 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था. 9 वॉज द डिलीवरी प्रेशर एंड दिस वेर द टेम्परेचर्स. ठीक है, दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द एक्चुअल थेरोटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. दिस इज फॉर एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. हमने लगभग 11:30 बजे ट्रायल को शुरू किया था. 3.5 घंटे बाद मतलब 3 बजे पूरा आइस फॉर्मेशन शुरू हो गया, कम्प्लीट हो गया. जब शुरू किया तब वाटर का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस था और आइस पूरा कंप्लीट होने के बाद में आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था. जब हमने शुरू किया था कंप्रेसर का रीडिंग 5 था, कंप्लीट किया तब 6 था, मतलब 1 kWh कंज्यूम हो चुका था कंप्रेसर में. ठीक है, सो दीज आर द रीडिंग्स फॉर एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. हम अभी देखेंगे कि कैलकुलेशन के क्या स्टेप्स हैं. ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेशंस ऑफ थियोरेटिकल COP. जैसे कि हमें पहले कन्वर्ट करेंगे गैस प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर रेफ्रिजरेंट टेबल यूज़ करके HFHG की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्चुअल TS डायग्राम प्लॉट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट एंथैल्पीज फाइंड करेंगे 4 लोकेशंस के और उनको यूज़ करके थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करेंगे. इसका डिटेल डिस्कशन मैंने पिछले प्रैक्टिकल्स में भी किया है. अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है डिटेल में तो पिछले प्रैक्टिकल्स को आप रिफर कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ जाएगा. मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस गेज प्रेशर्स इनटू एब्सोल्यूट प्रेशर. सो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको बार में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 0.5 केजी मतलब कितना, 0.5 इंटू 9.81 न्यूटन. तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब नीचे डिवाइड कर देता हूँ 10^-4 से, और ये बन गया अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल बन गया. अब पास्कल को बार में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 10^5 से. तो ये बन गया बार. सो इसको कैलकुलेट करेंगे, कुछ वैल्यू आएगा, उसमें क्या करेंगे 1.01 ऐड करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर सक्शन साइड का मिल जाएगा. सिमिलर प्रोसेस पी सेट 2 के लिए भी फॉलो करेंगे और सक्शन डिलीवरी साइड का एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड कर लेंगे. ठीक है, सो आई विल डू इट नाउ. 9.8 bar. सो दिस इज व्हाट द डिलीवरी प्रेशर इज. तो हमें सक्शन साइड पे 1.5 bar मिला है एब्सोल्यूट प्रेशर और डिलीवरी साइड पे 9.8 bar एब्सोल्यूट प्रेशर मिला है. अभी इनको यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेंट टेबल से डाटा नोट डाउन कर लेंगे. सो रेफ्रिजरेंट टेबल पे अगर मैं देखता हूँ
किस प्रेशर पे? 9.8 बार पे बॉइलिंग पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब क्या, अगर हायर प्रेशर लाइन में यहाँ पे देखूंगा 9.8 बार, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिमिलरली सक्शन साइड पे कितना है? 1.5 बार प्रेशर है। सो 1.5 बार प्रेशर लाइन पे, ये 1.5 बार प्रेशर लाइन हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिखाया है? उसका है -16 डिग्री सेल्सियस। सो -16 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यू ऑपरेटर प्रेशर। ठीक है, ये दोनों हमें कहाँ से मिला है? रेफ्रिजरेंट टेबल से मिला है। अभी उसी रेफ्रिजरेंट टेबल पे ये वैल्यूज नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर वन कहाँ पे आता है? अप्रोक्सीमेटली इस रीजन में आता है। तो इसके इस साइड का HHE जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और यहाँ का CPG फाइंड कर लेंगे, गैसियस फेज में है। तो लोअर प्रेशर का HHE और CPG तो हमें मिलता है 389 and 0.831। कहाँ से मिला? रेफ्रिजरेंट टेबल से मिला। सिमिलरली हायर प्रेशर साइड का HG and CPG फाइंड कर लेंगे। हायर प्रेशर साइड का भी HG and CPG मिल गया 418 and 1.127। ठीक है, सिमिलरली हायर प्रेशर साइड का HFB फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर थ्री जो है वो HF के नज़दीक होता है। सो इसलिए HFB फाइंड कर लेंगे। HF कितना आया? 253 and 1.487। वहाँ का लिक्विड का CP लेना पड़ेगा। ये लिक्विड जोन है, इधर के साइड में गैसियस जोन है। तो CP लिक्विड कितना आया? 1.487 किलो जूल्स पर KG केल्विन फॉर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट। सो इन दिस वे वी हैव गॉट द डाटा फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टेबल्स। आई सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। सो अभी हम इस डाटा को यूज़ करेंगे और एक्चुअल TS डायग्राम को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट नंबर वन जो होता है वो यहाँ पे सक्शन साइड पे आएगा। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि पॉइंट नंबर वन का टेम्परेचर कितना है। पॉइंट नंबर वन का टेम्परेचर है -5.1 और ये बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -16। तो -5.1 -16 से ऊपर जाएगा, मतलब सुपर हीट हो चुका है। तो पॉइंट नंबर वन समवेयर यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट नंबर वन यहाँ पे आया सुपर हीटेड जोन में, क्योंकि -5.1 इज ग्रेटर दैन -16, इसलिए वो ऊपर गया। फिर पॉइंट नंबर टू को ऑब्जर्व करेंगे। पॉइंट नंबर टू का टेम्परेचर कितना है? 50 आफ्टर कॉम्प्रेसर। तो ये 38 से 50 ऊपर है, 38 से 50 अभी क्या है? 55 क्या है? ऊपर है। सो इसलिए पॉइंट नंबर टू क्या गया? सुपर हीटेड जोन में गया। सो ये 55 डिग्री सेल्सियस। सो अभी 1 to 2 क्या होगा? पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन होगा। तो मुझे एग्जैक्ट लाइन पता नहीं है कैसे रहेगा, इसलिए मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये कॉम्प्रेसर पावर कंज्यूम हो गया। ठीक है, 1 to 2 इज द कॉम्प्रेशन पावर। अभी 2 के बाद क्या होगा? सुपर हीटेड वेपर कंडेंसर में जाएगा। तो कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसेशन शुरू होगा। उससे पहले क्या होगा? डी सुपर हीटिंग होगा। सो पॉइंट नंबर 2 से डी सुपर हीटिंग शुरू हो जाएगा। डी सुपर हीटिंग होते होते वो 38 डिग्री तक आएगा, फिर उसका फेज चेंज शुरू हो जाएगा, दैट इज कंडेंसेशन। सो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से अगर हीट रिजेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सब कूलिंग हो जाएगा। कहाँ से समझेगा हमको ये? T3 देखना पड़ेगा। T3 कितना है? 25.4। तो मतलब 38 से हम नीचे कूल कर दिया है। सो 28.4 इज लेस देन 38, सो ये नीचे जा रहा है। तो समवेयर यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 हमारा आ गया। कितना टेम्परेचर तक सब कूलिंग हुआ है? 25.4। सो ये पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? हीट रिजेक्ट हुआ है कंडेंसर में। अब उसके बाद क्या होगा? एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन कहाँ तक जा रहा है? आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन पॉइंट नंबर 3 से शुरू होगा। कहाँ तक जा रहा है वो? T4 देखते हैं, -9.4। -9.4 मतलब 16 से ऊपर ही है। तो यहाँ तक समझो आ गया वो। तो पॉइंट नंबर 4, ठीक है, एक्सपांशन 16 से ऊपर ही होगा। उसके बाद क्या शुरू होगा? ये ऑपरेशन। अब ये ऑपरेटर में क्या हो रहा है? प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व, क्योंकि सक्शन प्रेशर साइड के गेज ने काउंट किया था समथिंग 1.5, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा ये ऑपरेटर में। और फिर यहाँ से सुपर हीटिंग भी होगा और पॉइंट नंबर 4 को, इसलिए क्या यहाँ पे क्या हुआ है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिला हमें, रेफ्रिजरेंट नहीं है, एब्सॉर्ब कर लिया आइस कैन में से, ब्राइन में से। सो उसलिए उस वजह से उसका ये ऑपरेशन हुआ। पॉइंट नंबर 1 पे मुझे क्या मिला? सुपर हीटेड वेपर मिल गया। तो इन दिस वे द एक्चुअल TS डायग्राम लुक्स फॉर द गिवन सेटअप। अभी फिलहाल जो हमने एक्चुअल TS डायग्राम देखा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? अभी H1, H2, H3, H4 फाइंड करेंगे। सो H1 का फॉर्मूला क्या आएगा? H1 कैन बी ऑब्टेंड। H1 कहाँ पे है? सुपर हीटेड जोन में है। सो HG से आगे है, HG ऑफ द लोअर प्रेशर। सो HG से क्या है वो? आगे है। सो मैं HG लिख लूंगा। उससे आगे कितना आगे जाना है? CP डेल्टा T, CP ऑफ गैसियस फेज, क्योंकि ये गैसियस फेज में है सब कुछ, इधर लिक्विड है। तो CP ऑफ गैसियस फेज और CP डेल्टा T मतलब क्या? डिग्री ऑफ सब सुपर हीटिंग कितना है? T1 माइनस T सेट मतलब -5.1 -16। फॉर्मूला क्या आएगा?
T1 माइनस Tsat1, ये सब कुछ कहाँ पे देखेंगे वैल्यूज, कौन से प्रेशर की वैल्यू चाहिए, एट Psat1 देखेंगे, मतलब 1.5 आर में टेबल से जो वैल्यूज नोट किए हमने वो यहाँ पे डाल देंगे तो हमें H1 मिल जाएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट H2, H2 इज ऑल्सो इन सुपररेटेड जोन, H2 कहाँ पे है, सुपररेटेड जोन में है, तो उसको भी कंपेयर करना पड़ेगा HG से आगे है वो, सो HG प्लस कितना आगे है, CP delta D, CP ऑफ गैसियस फेज एट दैट प्रेशर, CP कौन सा लेना पड़ेगा, उस प्रेशर का CP लेना, ये नहीं चलेगा, ये लोअर प्रेशर का CP है, अभी ये हायर प्रेशर का CP लेना पड़ेगा, CP delta D क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट कितना है, T2 माइनस Tsat2, कौन से प्रेशर को देखेंगे सब कुछ, ये सारे वैल्यूज हम हायर प्रेशर पे देखेंगे, Tsat2, सो टेबल में से जो हमने वैल्यूज नोट की है उसके हायर प्रेशर की वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे तो H2 मिल जाएगा। सिमिलरली H3 फाइंड कर सकते हैं, H3 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो HF से पीछे है, HF यहाँ पे है, एट दिस पॉइंट देर इज HF, HF से वो क्या है, पीछे है, तो दैट इज वाई HF से माइनस करना पड़ेगा, सो HF माइनस CP delta T, CP कौन सा लेंगे, CP लिक्विड लेंगे, हायर प्रेशर साइड वाला, CP ऑफ लिक्विड ऑफ द हायर प्रेशर साइड, CP delta T क्या आएगा, डिग्री ऑफ सब कूलिंग कितना है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग Tsat2 माइनस T3, सब कुछ कहाँ पे देखेंगे ये वैल्यूज, टेबल में से, एट Tsat2, हायर प्रेशर साइड पे है वो, ऊपर वाली लाइन पे है तो इसलिए Tsat2 पे, ये प्रेशर लाइन कौन सा है, Tsat2 का प्रेशर लाइन है, और ये प्रेशर लाइन कौन सा है, Tsat1 का प्रेशर लाइन है, ठीक है, सो ये वैल्यूज अगर डालते हैं तो तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। हमें पता है H3 और H4 क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिकॉज इट इज आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, H3 और H4 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, H3 और H4, सो इस तरह से हमें चारों वैल्यूज मिल गए। सो इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज एज आई स्टेटेड, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ H1, H2 एंड H3, H4 लाइक दिस, ओके, सो टैली करो आपके नोटबुक में इसको। अभी हम इसको यूज करेंगे थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए। थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर पावर। अभी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, कहाँ पे है, 4:1 इज द ये ऑपरेशन ना, सो H1 माइनस H4 इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, m डॉट इनटू इट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सिमिलरली कंप्रेसर पावर क्या रहेगा, हायर एंथैल्पी H2 माइनस लोअर एंथैल्पी H1, H2 माइनस H1 इट इज कंप्रेसर पावर, m डॉट इनटू H2 माइनस H1। वी हैव ऑल दिस वैल्यूज, m डॉट कैन बी कैंसल्ड, पुट ऑल दिस थ्री वैल्यूज हियर, यू कैन फाइंड आउट COP थ्योरेटिकल एंड इट कम्स टू बी 4.123, चेक द आंसर, दैट इज वॉट थ्योरेटिकल COP इज। नाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट विल हैव टू फाइंड आउट, एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा और एक्चुअल कंप्रेसर पावर फाइंड करना पड़ेगा। सो एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ से मिलेगा, कि भाई ये जो पानी हमने आइस कैंस में रखा था उसने ब्राइन को कितना हीट दे दिया, उतना ही रेफ्रिजरेंट ने एब्सॉर्ब कर लिया। सो आई जो 2 kg पानी हमने रखा था उस 2 kg पानी ने कितना हीट टोटल दे दिया, उतना हमें फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और एक्चुअल कंप्रेसर पावर कैसे निकलेगा, एनर्जी मीटर के रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंप्रेसर ने कितना पावर कंज्यूम किया है। सो लेट अस फाइंड वन बाय वन। सो अभी हम उसके लिए हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने प्री रिक्विजिट्स में बताया था कि वाटर का सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब पानी से लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई होने तक क्या क्या स्टेजेस होती है। तो बेसिकली 3 stages में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले क्या होता है, हमने जो नॉर्मल पानी लिया है कितना है, 17.7 डिग्री सेल्सियस का नॉर्मल पानी लिया था, उसमें से हमने जैसे हीट निकालना शुरू कर देंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग, जैसे टेम्परेचर कम होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कम होता जाएगा और फिर वो पानी का 0 degree पानी हमें मिल जाएगा। पहला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है, 17 degree पानी जो गर्म पानी था, नॉर्मल पानी था, उसमें से हीट निकालना शुरू कर दिया तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। सो पूरे पानी का टेम्परेचर 0 degree तक पहुँच जाएगा, इस पूरे स्टेज को बोलेंगे सेंसिबल कूलिंग। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हीट और निकालते हैं उसमें से, उस पानी में से और हीट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। सो जैसे जैसे हीट निकालेंगे उसका सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा, तो 2-phase मिक्सचर फॉर्म होगा पहले, फिर और हीट निकालेंगे तो फिर पूरा के पूरा आइस बन जाएगा। सो और ये पूरा प्रोसेस 0 degree पे कंप्लीट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब भी फेज चेंज होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, फेज चेंज फेनोमेना ऑफ प्योर सब्सटेंस जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका डिटेल डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं है।
somewhere some other time when I'll make the videos on thermodynamics, I'll discuss the reason why the temperature remains constant during phase change phenomena. ओके तो जब भी ये फेज चेंज होगा मतलब पानी से आइस बनेगा, जीरो डिग्री वाटर से जीरो डिग्री आइस बनेगा, तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, सिर्फ उसका फेज चेंज होगा. और उसके लिए हमने जो हीट निकाला है उसे हम बोलेंगे लैटेंट हीट. सो ये लैटेंट कूलिंग हो गया, इसको क्या बोलेंगे, लैटेंट कूलिंग बोलेंगे. और उसके बाद अगर इस आइस से फिर से हीट निकालते हम और उसको कूलिंग करते तो आइस का टेम्परेचर अब ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा. तो जैसे आइस का टेम्परेचर ड्रॉप होगा उसे उस प्रोसेस को फिर से सेंसिबल कूलिंग बोलना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. तो जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसे सेंसिबल कूलिंग बोलते हैं, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फेज चेंज होता है उसे लैटेंट कूलिंग बोलते हैं. तो हम इन तीनों स्टेजेस को यूज़ करके हम टोटल हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया वो फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, सो टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज, पहले हिस्से में क्या होगा, सेंसिबल कूलिंग होगा. सेंसिबल कूलिंग कहाँ से कहाँ तक, 17 डिग्री से 0 डिग्री तक. सो कितना मास है, मास ऑफ वाटर 2 kg है, सीपी ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेल्टा डी कितना आएगा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0, टी डब्ल्यू आई से हमने 0 तक कूल किया उसको. सो ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, इतना हीट हमने पहले हिस्से में निकाला है. दूसरा, अब लैटेंट कूलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे, कितना टोटल मास है, मास ऑफ वाटर 2 kg है, आइस का आइस बोलो वाटर बोलो अमाउंट उतना ही है. सो मास ऑफ वाटर 2 kg है, 1 kg पानी को 0 डिग्री से 0 डिग्री आइस कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट निकालना पड़ता है, दैट इज लैटेंट हीट 335 kJ. कितने kg के लिए, 1 kg के लिए हमारे पास कितना है, 2 kg है. सो उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 335 kJ/kg मल्टीप्लाई बाय टोटल kg. सो ये बन गया टोटल लैटेंट हीट, हमने इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया है. तब क्या होगा, 0 डिग्री वाटर कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री आइस में. और तीसरा हिस्सा क्या आएगा, तीसरा आइस को क्या करना पड़ेगा, फिर से सेंसिबल कूलिंग करना पड़ेगा. तो सेंसिबल कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, MCP डेल्टा टी. सो मास ऑफ आइस 2 kg रहेगा, CP ऑफ आइस हमें पता है वहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, इंटू डेल्टा टी क्या रहेगा, अभी 0 डिग्री माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइस, 0 माइनस माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो दिस इज 10.4 इंटू CP इंटू एम डॉट आइस, मतलब एम ऑफ आइस मतलब 2 kg. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कितना हीट या इस स्टेज में रिमूव हुआ है. सो ये तीनों का एडिशन किसने कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगा. क्यों, क्योंकि ये तीनों अमाउंट किसने एक्स्ट्रा किया हुआ है, रेफ्रिजरेंट ने एक्स्ट्रा किया हुआ है ब्राइन के मीडियम से, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट. यह कितने टाइम में पूरा कन्वर्शन हुआ है, 3.5 आवर्स में कंप्लीट हुआ है पूरा कन्वर्शन. सो कितना सेकंड्स हो गया, 3.5 इंटू 60 इंटू 60, सो इट कम्स टू बी 12,600 सेकंड्स. सो ये किलो जूल्स पर सेकंड्स. सो आंसर आ गया हमारा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब रेट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना मिल जाएगा, किलो जूल्स पर सेकंड मतलब किलो वैट. सो दिस आंसर कम्स टू बी, सो 0.068 किलो वैट्स 68 वैट, मतलब 68 जूल्स पर सेकंड. ये रेट है, मतलब क्या कि 3.5 घंटा अगर हम 68 जूल्स पर सेकंड के रेट से हीट रिमूव करेंगे, एक सेकंड में 68, दूसरे सेकंड में 68, इस तरह से हम 3.5 घंटा करते रहेंगे तो ये पूरा पानी 17 डिग्री का पानी -10 डिग्री का आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एक्चुअल कंप्रेसर पावर. एक्चुअल कंप्रेसर पावर के लिए हमने यहाँ पे रीडिंग्स नोट किए थे, तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 kWh क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है टोटल, 6 - 5 दैट इज 1. तो 1 kWh एनर्जी क्या किया, कंप्रेसर ने कंज्यूम किया. अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो कंप्रेसर पावर इज कितना रीडिंग है, 1 kWh. कितने टाइम के लिए चलाया हमने ये, 3.5 आवर्स के लिए. तो ये आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, 1 / 3.5, 0.2857 kW. दिस इज वॉट एक्चुअल कंप्रेसर पावर, दैट इज नथिंग बट 285 वैट. 68 वैट्स वॉज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, उसके लिए उसने कंज्यूम किया 285 वैट्स, ठीक है. सो नाउ एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी ऑब्टेंड एज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर पावर. एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वॉज 68, एक्चुअल कंप्रेसर पावर वॉज 285, सो द रेशियो कम्स टू बी 0.2395. सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड ऑब्जेक्टिव. नाउ एट लास्ट वी विल फाइंड आउट हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ दैट गिवन प्लांट. जो लैब में हमारे आइस प्लांट अवेलेबल है उसका पर डे कैपेसिटी कितना है, कितना आइस वो प्रोड्यूस कर सकता है. तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि 3.5 घंटा हमने ट्रायल चलाया था, उसमें कितना आइस फॉर्म हुआ है, 2 kg आइस, मतलब 2 kg आइस फॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम लग गया, 3.5 घंटा लग गया. तो हमें 24 घंटे में वो कितना आइस प्रोड्यूस करेगा, 2 kg आइस फॉर्म करने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे में वो कितना आइस फॉर्म करेगा, दैट इज नथिंग बट यहाँ से हमें ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना मास वो 24 घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है वो हमें पता चल जाएगा. सो मास ऑफ
ice formed per day multiplied by 3.5 equal to 24 into क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मास ऑफ आइस फॉर्म पर डे कितना आएगा 24 इंटू टू इस साइड वाला 3.5 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय 3.5 सो देयर इट गिव्स अस द कैपेसिटी ऑफ द आइस प्लांट 13.7143 केजीज पर डे एक दिन में वो कितना आइस फॉर्म कर सकता है सो हमारे लैब में जो आइस प्लांट अवेलेबल है वो 13 केजीज आइस फॉर्म कर सकता है पूरे एक दिन में ठीक है तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज ट्रायल जिसमें हमने पहले देखा था कि आइस प्लांट का लेआउट क्या होता है उसके बाद हमने एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड किया उसके बाद थियोरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड किया एंड देन एट द एंड वी फाउंड हाउ मच इज द आइस प्लांट कैपेसिटी ऑफ द गिवन प्लांट ठीक है सो आई होप यू एंजॉयड दिस टुडेज सेशन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन पुट मी इन कमेंट सेक्शन आई विल आंसर देम श्योरली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू वेरी मच